हेलो दोस्तों, रोजगार विद मोशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप कैसे होंगे? आई होप आप अच्छे होंगे और हमारे साथ बने हुए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो शुभमन गिल की कप्तानी में खेली गई 5 मैचों की सीरीज के बारे में। तो आपको बता दें कि वो सीरीज इंडिया ने अपने नाम कर ली है। पहले मैच में जब इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का पहला मैच खेला गया तो उसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भारतीय टीम ने वापसी करते हुए यह सीरीज जीत ली है। और शुभमन गिल का एक इंटरव्यू में बताया कि हमारी उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई जितनी हमें होनी चाहिए, उसके बावजूद भी हमने अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने दिया और इस सीरीज को अपने नाम कर लिया। और मतलब कि मैच की सीरीज की इतनी लालसा, इतनी भूख थी कि है ना, कि हमको बस मैच ही दिख रहा था, कुछ नहीं। और इतनी लालसा की वजह से ही आज हमने इस मैच को अपने नाम किया है। और वहीं दूसरी ओर हम आज बात करने वाले हैं जो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, जो हिटमैन के नाम से परिचित है। तो उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए आज एक बात का इंटरव्यू में कहा था कि मैंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास लिया है, ना कि वनडे T20 से लिया है। वो भारत के लिए फिर मैच खेलते हुए नजर आएंगे। और उनसे उनका मानना यह भी है कि फिर जब फैंस ने उनसे पूछा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, तो फ्यूचर प्लान के बारे में उन्होंने बताया कि मेरा कुछ भी, कोई भी इतना फ्यूचर प्लान नहीं करता हूँ जितना सोचता हूँ, ऐसे कुछ नहीं करता हूँ। इसी रोहित शर्मा तो देखने को मिलेंगे आपको फिर से, फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो बने रहे रोजगार विद मोशन के साथ, मिलते हैं।